आपने अभी बताया कि स्टार्टअप करना आपका गोल नहीं था बट एक नॉर्मल जॉब नहीं करनी थी अब 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि हमें जॉब नहीं करनी है बट दे आर फेलिंग टू फिगर आउट कि अल्टीमेटली करना क्या है आपने बोला कि डू एन इंटर्नशिप नॉट जस्ट फॉर द मनी टू बी देयर टू लर्न कि काम कैसे होता है कैसे नहीं होता है राइट सो वॉट वुड बी योर एडवाइस टू समन लिसनिंग टू अस जिनको कि फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं करना क्या है आगे चल के लाइफ में आई थिंक अभी जो मैं नॉर्मली देखता हूँ अपने जूनियर्स में भी और कॉलेज स्टूडेंट जो चल रहे हैं पीपल रियली वांट अ सर्टन रूल बुक अराउंड हाउ दे वॉन्ट टू प्ले आउट थिंग्स एंड दे ऑलवेज हैव अ प्रो एंड कॉन की अच्छा यार ये कर लिया तो इसमें ये दिक्कत है ये कर लिया तो इसमें दिक्कत है आई वुड ऑनेस्टली से कि थिंग्स इट्स नॉट ईजी टू फिगर आउट थिंग्स एट सच एन अर्ली एज बट द बेनिफिट ऑफ बींग एट दिस अर्ली एज दैट द कैपेसिटी एंड एपेटाइट ऑफ टेकिंग रिस्क इज़ वेरी हाई For you, uh, because even if you end up failing, you got uh, nothing to lose. Really, uh, there's no dependencies. Uh, people are not asking you to pay bills for whom or uh, you know uh, uh, survive in a certain manner. You can afford to make mistakes. So um, I think um, whatever you want or wherever you feel there's a certain inclination where you actually enjoy working and you know this will help you achieve that financial goal or that sentimental goal. You should at least put efforts in doing that, even if you don't have a defined SOP there. अब मतलब बहुत सिंपल सा फंड है ये कि यार मेरे को ये चीज़ करनी है तो अब मैं रादर दैन राइटिंग अच्छा इसमें ये होगा step, फिर ये स्टेप ऑन स्टेप मैं ऐसे चलूँगा uh, For example very simple uh, हमको फंड्स उठाना है अगर ठीक है आप funding raise कर रहे हैं हम uh, आप उसमें सौ चीज़ें मत सोचो कि अच्छा पिचटेक में ये बनाना है मेरे को उसमें पहले मैं दस तरह की चीज़ें बनाऊँगा फिर मैं जाकर ये रिफाइंड करूँगा और चार लोगों से इनपुट आप बना लो स्टार्ट पिचिंग इट टू पीपल स्टार्ट पिचिंग इट टू वी सीज वॉट एवर यू लर्न आउट ऑफ दैन कीप ऑन आइट्रेटिंग ठीक है सो इट्स अ प्रोसेस वेर यू लर्न एंड इम्प्रूव ओवर टाइम यू कॉन्ट परफेक्शन ऑन डे वन यू यू विल नेवर बी परफेक्ट इट्स अ परस्यूट ऑफ परफेक्शन तो अभी तो ऑनेस्टली मेरे को लगता है जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ uh, पता है कि जॉब नहीं करनी है बट ये करना है तो दे शुड फर्स्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनको बहुत मरानी पड़ेगी अपनी और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे uh, और फिर जो भी चीज़ें करनी है उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है कि इट डजेंट वर्कआउट या इसमें यह दिक्कत होगी जस्ट एंड अप डूइंग इट फिगर थिंग्स आउट अलोंग द वे एंड इज द सर्टिन आई वुड से बिलीव दैट आई हैव दैट इवेंचुअली वेन यू स्टार्ट फिगरिंग थिंग्स अलॉन्ग द वे बहुत चीज़ें आपकी अपने आप ही फिगर आउट होने लगेंगी रास्ता आगे दिखने लगेगा बट यू हैव टू सॉर्ट ऑफ टेक द फर्स्ट स्टेप Rather than mapping out the entire journey, you have to just to sort of take the first step. Do you think it actually helps a student? If they are confident educationally, like let's say you are from IIT, do you have that question? That if I fail, even then I can get a decent, high-paying job. So does that educational background help you? Give you confidence? To be very uh, f uh, frank in this, that does play a certain role. द इट बिज एट द एंड ऑफ द डे यू नो वॉट यूर केपेबिलिटीज़ आर एंड एज समन हू हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई टू डेली दे हैव दैट सर्टन माइंड सेट कि ठीक है यार कल को अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं करी आई विल बी एबल टू लैंड अ गुड जॉब और आई विल भी एबल टू गेट वन लैक वन पॉइंट फाइव लैक्स पर मंथ अगर मेरे को ये नौबत आ गई तो मैं कर सकता हूँ ये तो अभी मैं थोड़ा एफर्ट मार लेता हूँ साइड में जा कर एंड आई विल भी एबल टू गेट

फेस ग्रेटर इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ द डे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अच्छे बैकग्राउंड पर या बुरे बैकग्राउंड पर हो टू गेट बैक अप इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल अब जिसके घर पर ज़्यादा पैसा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड हैव अ सर्टिन इजीनेस इन गेटिंग बैकअप इफ थिंग्स डोंट वर्कआउट एंड एट द सेम टाइम पीपल हु डो नॉट हैव एनी सॉ सोशल बैकग्राउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम इन गेटिंग बैकअप So, the factor of risk is different from individual to individual. Uh, so, education background does definitely takes a certain uh, part in this. Ankur, you are a recent graduate. So, you have first hand dekha hai, what's the difference between an IIT and let's say a tier 2, tier 3 college. Right? So, if someone's from a tier 3 college, what would you advise them? Should they take that risk and go for a startup where chances of failure? ट हैं या फिर यू टेल देस आउट क्लियरली कि लोगों को लगता है कि आई आई टी से है तो फिर थिंग्स आर ईजी या फिर uh, तुम, तुम तो कर ही वो वाला चीज़ बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग रहती है सो बींग स्मार्ट इज वेरी डिफरेंट इन बींग इंटेलिजेंट ठीक है दिज अ वेरी फाइन नाइन इन बींग स्मार्ट एंड बींग इंटेलिजेंट

गट्स की या फिर आप कह सकते हो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की बहुत सारे आई टी स्मार्ट भी हैं इंटेलिजेंट भी हैं बट एट दी सेम टाइम इफ इट्स अबाउट बिल्डिंग अ बिजनेस और अ स्टार्टअप डूइंग समथिंग अनऑर्थोडॉक्स दिट्स प्योरली अबाउट कि भाई तुम में दम है तो तुमने किया जॉब छोड़ के और फिर आगे बढ़े ठीक है सो आई वुड नॉट से कि एक टीयर थ्री कॉलेज का बच्चा या टीयर वन कॉलेज का बच्चा उनमें प्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक अच्छे कॉलेज से है और एक बुरे कॉलेज से एक थोड़े से कम अच्छे कॉलेज से है विल uh, डिफाइन कि अच्छा ये स्टार्टअप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा दैट प्योरली ऑन इंडिविजुअल लेवल आपको अगर करना है तो आप करो एट द सेम टाइम ये वाला जो लॉजिक uh, है कि आप यू नो सिक्योर अ जॉब एंड देन सॉर्ट ऑफ मेकअप प्लान अराउंड इट डू सम सेविंग्स सो ऑनेस्टली दैट्स अ ट्रैप मतलब इट्स इट्स अ वेरी सुनने में बहुत अच्छा लगता है वो कि यार देख मेरा प्लान है स्टार्टअप करने का तो मैं एक साल जॉब करूँगा देख इसमें मेरे फ़ायदे क्या क्या हैं लर्निंग होगी मेरी लोगों से कनेक्ट होगा पैसे भी बचा लूँगा फिर ये करने के बाद साइड साइड में स्टार्टअप पर थोड़ा का बहुत काम भी कर रहा हूँ और इवेंचुअली एक साल बाद मैं जॉब छोड़ के स्टार्टअप कर लूँ दैट्स दैट्स वेरी प्लेजेंट टू से ठीक है ऑनेस्टली uh, ये सब आप, आप आप आपकी फटरी होती है आपको डर लग रहा होता है पीपल डिजगाइज फियर एज प्रैक्टिकल रीजंस ऑनेस्टली आपको डर लग रहा है कि भाई फटेगी वर्कआउट नहीं हो ये वो तो पहले ये कर लेता हूँ अगर नहीं चला तो पैसे कहाँ से आएंगे ये वो तो आप इसको दिखाते हो उस दुनिया के सामने की ठीक है जॉब करते हैं करते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू डू अ स्टार्टअप इट्स नॉट एन ईजी थिंग यू हैव टू गो ऑल इन यू कॉन्ट हैव इट एज अ साइड प्रोजेक्ट ठीक है यूर डूइंग स्टार्टअप टू मेक योर लाइफ पिक और टू सेटल इट आउट फॉर ग्रेट थिंग्स एंड यू हैव टू गो ऑल इन यू दैट कॉन्ट बी ए साइड थिंग फॉर यू प्लस जॉब uh, के साथ न यू गेट दैट लाइफ स्टाइल ऑल्सो आप पहली बार लाइफ में कमाओगे मंथ के एंड में पैसा आएगा आप घर वालों के लिए गिफ्ट्स लोगे पैसे खर्च करोगे अपने लिए गिफ्ट्स लोगे ठीक है डिफरेंट टाइप की चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे खर्च करने में अच्छा लगता है आपको चार बट फिर वही एक साइकिल बन जाती है यू नो कि यार अब uh, मेरे को ये चीज़ ख़रीदनी है तो मैं पैसे ले रहा हूँ मेरे को इवेंचुअली तीन महीने बाद ट्रैवल करना है तो तीन महीने पहले पैसे बचाना शुरू करूँगा फिर मैं ट्रैवल करूँगा फिर मैं अगले तीन महीने और सेव एक कि पिछले महीने ट्रैवल किया था आप वो यू नेवर गेट दैट एग्जैक्ट विंडो वेयर यू कैन कॉन्फिडेंटली से कि ठीक है यार अभी पैसा भी कमा लिए चीज़ें भी सेट हैं अब मैं छोड़ देता हूँ आराम से और मैं स्टार्टअप शुरू करता हूँ ऐसा नहीं होता है यू गेट एडजस्टेड टू दैट लाइफ स्टाइल ठीक है सो लीविंग अ जॉब तभी लोग बोलते हैं आप आपने रिस्क लिया इज बिकॉज यू लीविंग समथिंग वेरी कंफर्टेबल बिहाइंड यू इफ़ इट वॉज दैट ईजी तो सब लोग जॉब छोड़ रहे होते so i don't think he's securing a job first and then doing it uh, uh, is the ideal way there is no ideal way in it uh, there's no right time to this if you want to do something uh, you just have to take that plunge and take that risk theke? you will never be able to figure out a plan um, of course if you have good savings that will of course give you a runway but wo mahina, mahina, ka runway hoga, eventually that will also dry up it's so आपका इनिशियल जो स्टेट होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा दैट यू डोंट हैव मनी एंड यू डोंट हैव अ जॉब एंड यू आर बिल्डिंग समथिंग विच यू डोंट नो विल डोंकआउ एंड यू स्टिल डूइंग इट डे डे ऑन ऑन यूर स्टिल्स सो बोरिंग इन द होप दैट इट माइट वर्कआउट दैट यू कैन डू विद अ जॉब इफ यू वॉन्ट टू डू इट यू हैव टू टेक दैट रिस्क एंड गो फॉर इट यू की स्टार्टअप के लिए ना गर्ट्स होने चाहिए तो आपने तीन स्टार्टअप्स दो शट डाउन करे थर्ड रन कर रहे हो So, what have you realized from your personal experience that these qualities or these traits have helped you run multiple startups? There's this part where you can say that uh, stubbornness, if used in the right quantity, uh, is a good trait. That you're stubborn in building something. Uh, uh, that you don't really care about what your peers are doing or what. प्लान दैट दे हैव सेट कि अच्छा यार पहले मैं कंसल्ट में जगा कर, uh, जा कर ये करूँगा फिर दो साल ये करने के बाद एन बी ए करूँगा एंड इट्स फाइन यू आर फाइन विद द फैक्ट दैट इवन इफ यू फील दैट्स ओके ठीक है तो uh, अगर आपके पास ये दो तीन चीज़ें दैट यू डी गिव अप ऑफ वॉट अदर पीपल आर डूइंग और वॉट अदर पीपल वुड थिंक ऑफ योर सेल्फ यू आर क्वाइट स्टबन इन द फैक्ट कि ठीक है you are consistent on it and uh, you are fine with failures थीके. then I think that's something that gives you a better or a pleasant uh, mindset to start off things uh, but then the true part comes where when you've done all of this uh, then the part comes where as an individual if one founder founder A or founder B I would say the difference would come in someone who will achieve successes, दे हैव टू भी हम्बल एंड दे हैव टू बी कंसिस्टेंट ठीक है हम्बल इज प्योरली बिकॉज आई थिंक आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो उसमें बहुत गलतियाँ हो सकती हैं एंड सम कम्स एंड पॉइंट्स आउट हुई कि ये तुम कचड़ा बना रहे हो और इसमें ये दिक्कत है और uh, तुम फालतू सोच रहे हो यू हैव टू टेक दैट इन दैट मैनर कि अच्छा हाँ इसमें ये चीज़ बहुत डम्ब है या बहुत कचड़ा है ठीक है यू हैव टू बी ओपन टू क्रिटिसिजम ठीक है सो दैट बीग हम्बल रियली हेल्प्स दैट And consistent. I think that's the most important trait after you've taken that risk. Um, consistency, I can't uh, emphasize that enough. It's like waking up every day and uh, doing something uh, repetitively, which is so boring day on day, having no clue what end mein kya result hone wala hai. Uh, And 99% uh, of the probability is that it won't work out and you're still at it. Uh, that's pure consistent and discipline. I think you have to follow that if you want to sort of achieve that that level where you eventually hit success. So I think uh, that's that's really important. We talked about being humble, right? Taking criticism. Now, who do you Listen, to anyone on the street, or some ex-investor, or your ex-customer? Like, whose opinion should matter the most to you? Um, that's a really good question. And honestly, I also haven't uh, figured out the right answer for that. But uh, there are some uh, some sort of guidelines or pointers that you could keep in mind. So of course, to uh, uh, And then you have these founder friends and investors and people who have built such large companies, right? So uh, honestly, always take, always value the advice of a person who have built things, who have been through that journey. just, journey abd through. always value that advice because their advice will be unfilter unfiltered, unbiased, and will be very upfront. Uh, you can't make up that advice. if someone who has struggled in raising funds and have seen those, uh, you know, long nights and uh, lonely nights, uh, they will not be able to make it up. बिकॉज दैट सॉरी सो ऑलवेज वैल्यू द एडवाइस ऑफ समन हुज बिन थ्रू दैट एग्जैक्ट जर्नी एंड मेड इट ठीक है इफ दे हैवेंट मेड इट एंड दे सो फेलियर ठीक है देयर एडवाइस विल ऑलवेज भी हेल्पफुल इन यू मेकिंग श्योर नॉट टू दो थिंग्स विच विल सॉल्व लीड टू दैट फेलियर सो पीपल हु है थ्रू दैट जर्नी उनकी एडवाइस बहुत ज़्यादा बोल्ड एडवाइस होती है आई वुड से ठीक है uh,

रादर देन कमिंग यार तुझे ना इसमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए वन दे हैव नो क्लू अबाउट तुम कर क्या रहे हो ठीक है सो पीपल हु ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट वॉट यू आर डूइंगर एज मच इन्वॉल्व इन योर कंपनी एज यू आर एंड दैट्स वेन दे स्टार्ट गिविंग यू एडवाइस इज समथिंग दैट्स वेरी हम्बल एंड वेरी आई वुड से प्योर बिकॉज वो चीज़ समझ रहे हैं और उनका जो ओपिनियन लग रहा है वो उसके बारे में बता रहे हैं तो आई थिंक दैट्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेवर टेक एन एडवाइस फ्रॉम एज अ पर्सन वॉन्ट्स टू गिव एडवाइस टू यू और uh, वो जबरदस्ती आपके पास आकर बोल रहे कि यार मैंने ये चीज़ें करनी हैं मैंने ये किया हुआ है और uh, मैंने इतने स्टार्टअप्स को हेल्प किया हुआ है ठीक है और मैं इनका ये काम करवाया हूँ और वो काम करवाया हूँ मैं इतने लोगों को जानता हूँ नेवर टेक एडवाइस फ्राम दोज पीपल समवन जनवनली वू गिव यू एडवाइस दे दे नेवर रियली सेल देम सेल्व कि देखो मैं uh, इस कंपनी का फाउंडर हूँ इसलिए मेरी बात सुनूँ ठीक है दे सिंपली वैल्यू यू एज अ प परसन ठीक है दे विल दे विल टॉक टू यू एज़ वन ऑन वन ठीक है तुम एक फाउंडर हो मैं एक फाउंडर हूँ और ये डिसकस करते हैं या तू भी अपना कुछ कर रहा है मैं भी अपना कुछ कर रहा हूँ मेरे हिसाब से ये है इस हिसाब से ये ठीक है चीके? मैं ये चीज़ हूँ और मैंने ये बनाया हुआ है तो मेरी एडवाइस इतनी अच्छी होगी तो इसलिए मेरी एडवाइस लो उनसे तो कभी नहीं लेना है आई थिंक यू जस्ट हैव टू फाइंड फाइंड पीपल एंड अक्रॉस दिस पीपल ऑल ऑफ दिस पीपल आर वेरी हम्बल वेरी ब्लंट वेरी रियलिस्टिक ठीक है एंड यू कैन टॉक टू दैम अबाउट एनी अदर थिंग ठीक है एंड इवेंचुअली वैन यू स्टार्ट मीटिंग इनफ पीपल फ्रॉम सर्टिन ट्रेड्स यू रियलाइज कि अच्छा कौन सी एडवाइस अच्छी है कौन सी नहीं है सो यू स्टार्ट फिल्टरिंग दैट आउट यू गेट दैट केपेबिलिटी So I think that that's something that I would say that. behind the scenes you were telling me about two acquisition offers you got from some big fintech companies which were upwards of three million dollars. So looking back, what do you think helped you get those acquisition offers? like were you in the market in the like right place at the right time? you had a good idea what helped you get those offers?

It's a very funny thing that I would say that um, you know luck plays out very differently where uh, you come across someone who is at a certain position or a certain place where they're looking to solve this particular thing at that time and uh, you happen to find them. Uh, you went to them uh, for a different reason to so, Hamlop to fundraise uh, it was that entire call was about uh, raising funds right? Apparently, after our conversation, it turned out that this is another alternative where that person thought this would be a very useful proposition. And uh, this automatically jumped out of the conversation where, uh, guys, if you want to make this big, uh, you know, why not do this, right? And we'd be very happy to explore this further. And uh, the funny thing is that we got these two acquisition offers uh, on the same day. So, uh, we. At one company, we went uh, to discuss regarding a partnership, um, but apparently that turned out to be again uh, uh, an acquisition offer what they had in mind. And uh, the next meeting that we had, uh, the next Google meet that we had, was around raising funds, and apparently that also turned out to be an acquisition offer. And that's when we were also like I was saying to Navankhi, uh, yeah, ki, did we got two acquisition offers on just one day? and uh, that just happened to be there uh, it's not something that you get easily ki uh, aapko market mein bolna hai aap kya cheez funds bhi and you haven't even started at that level so that just happened to be out there uh, of course fir uske cheeze acquisition offer how did we sort of took that decision but uh, we were never really looking for it we were just looking to raise funds i think that was something that uh, had it in our destiny where we

एक्वजिशन ऑफर है और ये है एंड ऑनिस्टली द ऑफ़र वॉज अ प्रटी गुड ऑफ़र गिवन हमारी एज क्या है uh, नवन और मेरी एज क्या है क्या स्टेज पर थी हमारी कंपनी एंड uh, हमको आगे क्या करना है उस हिसाब से वो ये काफ़ी अच्छा ऑफर था बट दैन वी इवेंशली वी यू टॉकिंग टू आर फाउंडर फ्रेंड्स ओनली यू एंड अप मेकिंग गुड कनेक्शन एंड गुड फ्रेंड्स इन द इको सिटम एज़ वेल पीपल हु हैव वेस्ट फंडस हु हैव डन मोर दैन वॉट यू आर ट्राइंग टू डू इन द जर्नी एंड आई मेटिस वन फाउंडर शाश्वत भारत पे के जो फाउंडर है एंड उनकी काफ़ी लेजट उन्होंने दो तीन बातें बोलें कि ये ऑफ़र तुमको लग रहा है अच्छा है ये ऑफ़र बिल्कुल बेकार है ठीक है तुमको लग रहा है अभी इस पॉइंट पर कि बहुत अच्छा है और ऑनेस्टली तुमको अगर ये लगता है कि मतलब बहुत अप्रेंट चीज़ जो एक्चुअली ने मेरे को हिट करी थी वो ये कि देखो लाइफ में हर इंसान को एक या दो मौके मिलते हैं कुछ बड़ा करने के ठीक है भगवान अगर किसी को भी जीवन में भेज रहे हैं तो उसको हर जीवन में एक या दो मौके ही देगा अपनी लाइफ बदलने के ठीक है हर रोज़ मौके नहीं आते हैं ठीक है ठीके? ये तुम्हारे एक मौका है तुम्हारी लाइफ बदलने का ठीक है तो एक तो ऐसा मत सोचो कि कोई नया स्टार्टअप कर लेंगे पैसा कमा कर यहाँ से थोड़ा टाइम सीख के नाम भी बन जाएगा कुछ और स्टार्ट कर लेंगे नहीं होगा ऐसा ठीक है लगने में लगता है वो चीज तो लाइफ में हर इंसान को एक या दो मौके ही मिलेंगे कुछ ना कुछ बड़ा करने के अपनी लाइफ चेंज करने के दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स ठीक है और रही बात तुम्हारा तो द एक्विजिशन ऑफर वॉज अ कैश प्लस स्टॉक प्लस अ सैलरी कॉम्पोनेंट ठीक है वेयर नवन एंड आई वर गेटिंग कैश इन हैंड डिस कैश इन हैंड रियली गुड जॉब पैकेज एंड एट द सेम टाइम शेयर्स अ लॉट ऑफ शेयर्स तो वो वाली चीज़ सर शाश्वत ने बोली कि ये जो तुम्हें जॉब पैकेज मिल रहा है ये तुम कल को स्टार्टअप करके कहीं पर भी निपलोगे इंडस्ट्री में तुमको वैसे ही मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द वैल्यू दैट यू हैव क्रिएटेड तो वो भी चीज़ इन चेक थी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अस क्रिएटिंग एक्सपोनशियल वेल्थ ठीक है वैन यू नो दैट नाउ पीपल आर देयर टू बैक यू ठीक है यू शुडेंट लूज दैट पॉसि अपॉर्चुनिटी बिकॉज अब तीन साल बाद जाकर आपको दोबारा वो मोमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पर आपका चार लोग आकर बोलेंगे कि ये लो पैसा हो और तुम बनाओ जाके ठीक है और यह मौका आया तुम्हारे पास लेट्स नॉट वेस्ट सो वी इवेंचुअली डिसाइडेड कि ठीक है यार अब uh, कर रहे हैं तो करते हैं एंड आई थिंक वॉट वाई आर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो वॉट पुअर वाज की नवन एंड मी वी हम एकदम कचड़ा और एकदम गटर वाले जीवन में रहे दो साल ठीक है बहुत स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ हम जिए वो दो साल तो इवेंचुअली यू वेयर आउट ठीक है एंड वेन समन लेट्स लाइक रेगिस्तान में आप खून पसीने में आ, पसीना बहा के आप जा रहे हो बिना पानी के और कोई एक ग्लास पानी दे देगा दे आपको यू फील की दैट्स uh, हाँ मतलब दिस इज़ वॉट इट इज़ मिल गया ये तो बहुत बढ़िया बट यू हैव टू रियलाइज़ कि ये पानी छोड़ के आपको पता है कि थोड़ा दूर जाओगे तो तालाब आ गई पूरी लेक ठीक है तो हम लोग को वही था कि हम बहुत ज़्यादा uh, आप कह सकते हैं इतने स्ट्रगल में थे दैट हमको वो चीज़ बहुत एंटाइसिंग लगी उस पॉइंट पे एंड देन वी आल्सो रियली गॉट कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि भाई इतना अटेंशन मिल रहा है एक्जिशन ऑफर आ गया वैलिडेशन मिल गया तो हम लोग अपने आप में भी थोड़ा सा टू प्राउड होने लग गए थे बट देन वी क्लियर आयर माइंड एंड गॉट बैक ऑन द टेबल एंड रिलेस कि ठीक है यार रिस्क तो लिया ही है तब ठीक है तो अभी कोई एक अच्छी चीज़ आ गई है देन वायर वी लेटिंग गो ऑफ ऑल दैट रिस्क तो अभी रिस्क लेते ही हैं अच्छे से अगर ले रहे हैं तो और यही करने निकले थे फंड्स उठाने निकले थे कि अपनी कंपनी बनाएंगे तो फिर अभी उठाते हैं और उसको बनाते हैं एज up, स्टूडेंट वेन be स्टार्टिंग अप वॉट शुड बी योर आइडियल एंड गोल फॉर very easy इट्स वेरी इजी टू आस्क दिस क्वेश्चन बट स्टिल you say शुड बी the एंड गोल फॉर एनी बडी मोस्टली दो ही रीजन होते हैं सबका स्टार्टअप करने में पीपल से कि i'm building startup out of passion uh, there is no passion to it someone who started a tax accounting startup will not start out of passion uh, for their tax accounts right uh, yeah someone who's uh, doing a d2c startup in skincare brand they never really had a passion for skincare brands right they you always have a passion to build something uh, in in a in a space or in, in an industry where you realize that there's a problem and you like you understand that industry uh, इट्स इट्स लाइक बहुत सिंपल है नवन और मेरा बैकग्राउंड फिनटेक में नहीं था राइट बट वी सॉ अ प्रॉब्लम एंड वी अपलाइड दैट टू अड यूज यूजकिस एंड वी इवेंशली लर्न एवरी थिंग अबाउट इट एंड स्टार्टेड बिल्डिंग थिंग्स अलॉन्ग द वे राइट सो एंड गोल तो आपका यही होता है कि यार मुझे बिल्ड करना है ठीक है क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी जॉब पसंद नहीं है तो मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ तो इसलिए मुझे कुछ बिल्ड करना है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमन सिनारियो ऑफ एनी वन डूइंग हैविंग दैट एंड वोल फ्रॉम स्टार्टअप की ये तीन चीज़ें हैं जो आप कमा सकते हो स्टार्टअप करने के बाद दैट इज वन इज आप बहुत नाम कमा सकते हो यू गेट फीन सेकेंड यू गेट अ गुड नेटवर्क ठीक है एंड थर्ड यू एंड अप मेकिंग अ लॉर्ड ऑफ मैन ठीक है दीज थ्री आर द पॉसिबल इन रिजल्ट ऑफ डूइंग स्टार्टअप ठीक है कि आपने कुछ कुछ किया और आपने लिंगडन पे बहुत कॉन्टेंट uh, पुश किया यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मोर ऑफ योर जर्नी Uh, even though the startup ended up being a fail, but uh, you eventually had a certain following. Right, that, that's the fame that you get, or you end up making really good connects in the industry uh, that help you sort of empower your career apart from startup more. And uh, the last one is you end up making a lot of money. The third one is the most difficult part, right? Uh, that's what everyone aims for. If the third one is unlocked, then automatically the prior two is something that you achieved as a compliment. Baki uh, first one or second one is something that probably depends on how you have played out that journey. There are people who have never even started a company, apparently have a lot of following on LinkedIn, right? Uh, giving advice on some things that they have never experienced before and people are yet following them. Right. Uh, so that's, that's the fame wala part. And then you have end up making a lot of money. Uh, those are people you'd uh, uh, see commonly do not do all that gyan wala thing on LinkedIn.

कि ये स्टार्टअप आइडिया अच्छा है बिक आई आई ऑल्सो कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल जो अपने स्टार्टअप आइडियाज बताते हैं एंड आई आई अंडरस्टैंड फ्रॉम अ सर्टन लेंथ दैट आफ्टर स्पीकिंग टू सो मैनी फाउंडर्स एंड बींग इन दैट इकोसिस्टम यू गेट अटन परस्पेक्टिव ऑफ फाइंडिंग आउट अच्छा दिस स्टार्टअप हैज़ गुड बेस और दिस स्टार्टअप डज नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ थिंग टू बी सक्सेसफुल ठीक है And uh, you have to sort of tell to that person, Ki, yar, ye chalega, ya wo uh, and people are not able to understand that purely uh, because they do not have that inherent value. They have to go through a certain journey to get that perspective, uh, and that's not their fault. But I think what you can follow to actually identify if a startup is good or not um, teen hoti is the problem real, is it addressed to a big enough market? Uh, एंड विल पीपल पे फॉर योर सोल्यूशन टू दैट प्रॉब ठीक है एंड इसको फिगर आउट करने का तरीका ये है कि लेट्स टेक टू केसेज़ इमेजन ओला ओला या उबर एग्जिट नहीं करता है तो लेट्स टू टेक अ सिंपल केस कि ठीक है बैक एट दैट टाइम ट्रैवलिंग वॉज अ पेन कि आपको रात के ग्यारह बजे अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है पॉइंट ए टू पॉइंट भी यू हैव टू हैव दीज मल्टीपल चेक पॉइंट्स पहले ऑटो लोगे फिर यहाँ से बस लोगे बस से वो करोगे uh, एंड यू हैव नो आइडिया कि आप रात में कैसे ट्रैवल करोगे सो ट्रेवलिंग वॉज अ पेन पॉइंट जब मेट्रो भी नहीं था ठीक है सो इफ यू विल गो टू अर सम गो टू अर यूजर जस्ट आज थ्री क्वेश्चन एंड कीप दैट वेरी सिम्पल ठीक है आपका आंसर सिर्फ येस और नो होना चाहिए एज अ यूजर परस्पेक्टिव यर रात में ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डू यू फाइंड दैट एज अ प्रॉब्लम यू विल से येस और नो येस आई फाइंड दैट एज अ प्रॉब्लम ओके आई हैव दिस ऐप

यूट्यूब है यूट्यूब पर एड्स आते हैं ठीक है यू गो टू समन एंड न्यू सिंप्लीस यार यूट्यूब पर वीडियो देखते हो एड्स आते हैं ठीक है डू यू फाइंड दिस एज अ प्रॉब्लम ठीक है यूल रियलाइज मैनी पीपल से कि हाँ दिक्कत लगती है प्रॉब्लम है ये वो ठीक है सम्पल पीपल वुड से कि ठीक है चले मतलब नहीं भी है तो भी चलेगा देन यू आज अ सेकेंड क्वेश्चन ठीक है यार यू फाइंड दिस एज अ प्रॉब्लम आई हैव दिस क्रोम एक्सटेंशन

आई थिंक दैट्स द बेसिक गाइडलाइन दैट यू शुड फॉलो इन फिगरिंग आउट वॉट स्टार्टअप इज एडिंग ट्रू वैल्यू और नॉट एट देंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम इज रियल इज इट एड्रेस टू अ बिगिन ऑफ मार्केट एंड विल पीपल पे फॉर इट ऑर दैट्स इट अब आपको पेन किलर प्रोडक्ट्स ढूंढने चाहिए रैदर दैन वाइटामिन प्रोडक्ट्स मोस्ट पीपल वर्क फॉर द कन्वीनियंस मतलब आई वर्ड पीपल से मेरा फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है आप घर पर खाना ऑर्डर कर सकते वो एंड ये मैं स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ एंड आई एम लाइक कि जोमैटो ऑलरेडी कर रहा है देन यू से मेरा यू आई यू एक्स बहुत अच्छा है ठीक है एंड अफकोर्स आप यू यू आर नॉट रॉन्ग इन सेंग दैट ठीक है बट यू हैव टू रियलाइज दैट दिस इज दिस अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग आप कन्वीनियंस पे आप कभी भी कुछ बिल्ड नहीं कर सकते हो एंड यू कैंड आज पीपल टू पे मनी फॉर दैट वाई सिम्पली सेंग दैट आई हैव अ कन्वीनियंस इन दिस ठीक है कन्वीनियंस इज़ वेरी डिफरेंट इट्स नॉट जस्ट डिजाइन परस्पेक्टिव और यू आई यू एक्स इट्स प्योरली अबाउट yeah, a to b if for me to transfer money from one account to another bank account, i have to log in the entire net banking portal and go through via that. of course, the ui ux is pretty bad and all of that, but if there's an application where i can just open up and add my bank account and i can do the transaction seamlessly, that's also convenience, but it's a very different con sort of convenience. it's solving a very different pain point, right? so uh, i think that's something that people should ask.

And then also talk to your users and ask them, would you use it or not? I think after that, we'll get the real insight that you dumped. I have a lots of people in engineering colleges are builders. They are building software programs, SaaS products, and putting it out there. They are not necessarily making money from them. right? So, according to you, these are vitamin based products. Not necessity. they are just.

वी डोंट से कन्वीनियंस प्रोडक्ट है तो पैसे नहीं बनाएंगे ठीक है इट्स अबाउट वॉट यू आर सॉल्विंग ठीक है अब सो फेसबुक एंड ट्विटर दे कोर्स वर दे दे डेवलप्ड कन्वीनियंस इन कनेक्टिविटी ठीक है इन अ वेरी डिफरेंट मैनर ठीक है प्रॉब्लम वॉज वेरी बिग ठीक है जो वो सॉल्व कर रहे थे वेयर सोशल बींग सोशल एंड इन द कनेक्टिविटी इंटायर सोशल सर्कल इज वेरी ब्रोकन एंड फेसबुक सॉल्व दैट राइट सो ऑफकोर्स दैट मेड थिंग्स कन्वीनियंट राइट एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉब्लम इज वेरी रियल ठीक है नाउ द क्वेश्चन कम्स की देर नॉट मेकिंग मनी राइट वो सारी चीज उस पर आ जाती है कि कल को आपने अगर प्रोडक्ट छोड़ दिया मार्केट में ठीक है एंड इफ़ यू आर पुशिंग अ लॉड ऑफ एड्स एंड इंसेंटिवाइजिंग योर प्रोडक्ट अ लॉट मोर ठीक है टू कीप दैट्रैक्शन सस्टेन्ड राइट And if on on certain particular day you remove that incentivization things and uh, remove that entire marketing out of that product, will people stay on it? If you're saying exponential growth and if you're saying that stickiness to the product and people are loving your product, then that is a very different game altogether. It's um, it's basically what Facebook and Twitter also saw. Ki, People loved the product, and also, as a matter of fact, Instagram people loved the product, people loved using it, right? Uh, so, even though if you won't uh, push the product and back the product by incentivizing uh, methods or marketing, people will still be using that because they really like the product. So, a product which has a customer value, those products will eventually end up um, facing a lot of traffic and uh, sustaining a lot of traffic, and once you have thousands of users lakhs of users crores of users using a platform you can eventually monetize them by one or the other way and that's by offering any sort of secondary service or a secondary objective right so uh, if it's a convenience product you have to see if people are loving it or not and if it is attracting huge traction if it is attracting attracting huge traction you will eventually find a way to monetize it if you stopped giving discounts and, st and stopped giving uh, offers right will people use it or not right that's the idea it's like gpa and ptm when they initially uh, when all these upi platforms upi payment uh, apps came right it was mostly incentivization and um, all these discounts and coupons and cashbacks were purely a method for people to adopt right because the adoption wala part was a challenge that people leave cash and come to ptm mein aaker, fir wo account add account and do transaction karane? But then knew that once adoption ho gaya. once people have seen the use and ease of it and convenience of it, they will start using it more. So, if you not cashback coupon, you use it. So, it's a very different uh, perspective in convenience products, given that do they attract huge market traction or not. Is it advisable to raise funds before you start building? Purely depends on what you are building. Uh, and uh, I think having funds always helps you right in achieving your targets and goals easily and also figuring out the mistakes that you would probably figure out later in uh, down the line uh, earlier so uh, having funds is always good uh, if you can raise funds before it's a pre product or a pre revenue company uh, that's that's obviously amazing but uh, most of the cases you have to sort of get a product or some traction in place so it's not advisable it's always beneficial to have funds Okay, so So, what's required to raise funds? So, uh, to raising funds raising no playbook and I'll just give you a very simple background उंड ऑन दिस इट्स अर्नी ठीक है आपका कोई इसमें सर्टन रूल या प्रोसेस नहीं होता ठीक है कि मैं uh, पहले मैं एनलिस्ट से बात करूंगा फिर एनलिस्ट के साथ सेकेंड कॉल होगी फिर उसका मैनेजर आएगा फिर वो पार्टनर आएगा फिर उनके साथ मेरी पांच छह कॉल्स होंगी वो होने के बाद कुछ सर्टन डॉक्यूमेंट्स और एक्सचेंज होंगे एंड ड्यूटी होगा और फिर fund हो जाएगा. इट्स इट्स नॉट नॉट दैट एट ऑल इट्स अ फेस ठीक है सो इनिशियली हाउ इट पैंस आउट इज यू मेक अ पिच पिचटेक ठीक है यू गेट दैट पिच पिस्टेक वेटेड जो हमने किया था हमने दो दिन में पिच पिस्टेक बनी दो दिन में पिच पिस्टेक बनाने के बाद हमने तीन चार लोगों से वेट करवाया बेसिक बेसिक आउटलाइन लिया ठीक है हमने अपनी पिच बनाई ठीक है एंड वो पिच हमने uh, बहुत एक एक मिनट हमने की ठीक है पहले नमन बोलेगा फिर मैं बोलूँगा मैं इतनी देर बोलूँगा मैं ये चीज़ बोलूँगा

द फर्स्ट पिच दैट वी मेट वॉज अ ब्लेंडर ठीक है एंड वी रियलाइज कि अच्छा इसमें तो ये सब ज्ञान देना ही नहीं है सिंपल बेसिक अपना बताओ और ये करो वी वॉट दोज लर्निंग्स आउट ऑफ दैट फर्स्ट ऑल एंड द आइडिया इज़ कि आपने डेक बना लिया यू गो टू लिंगडिन ठीक है फाइंड द वी सीज ऑन लिंगडिन आप उनको बाईफर्किट कर लो कौन अर्ली स्टेज वी सीज़ हैं कॉन वर्ट स्टेज वी सीज हैं प्री सीट सीट स्टेज वी सीज जो भी हैं Uh, and you eventually end up reaching out to those people on LinkedIn, via that small note that you add. And, uh, that small message that you send, uh, along with a connection request on LinkedIn, that should be really, uh, enticing and interesting. And the mail draft also that you share on LinkedIn, that should be also really, uh, uh quick and grabby, uh, to catch attention. Uh, and I would say, that I think that's a very good skill that I think my other co-founder Navan had, uh. वट एवर मेल्सेंट दैट वी यूज टू पुश वॉज रिजी एंड रियलीट आदमी का टाइम नहीं होता है पढ़ने का जो मेल भी बोलता है वो आपको आप इतना बड़ा पैराग्राफ लिख कर भेज दो नो वन इज गंग टू रीड दैट राइट तो वो चीज हमने कराता एंड वी स्टार्ट रीचिंग आउट टू फोक्स ऑन मेल्स एंड ऑन लिंगडन एंड वी इवेंचुअली स्टार्ट गेटिंग रिस्पॉन्स देन वो आपका पॉल्स रहता है आप पॉल्स पे जाते हो आप पिच ओवर टाइम इम्प्रूव करते जाते हो यू स्टार्ट फिगरिंग आउट क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है अकॉर्डिंगली आप टेक उसी हिसाब से आइट्रेट करते रहते हो सो डेक दैट यू मेक ऑन डे वन एंड द टेक दैट विल इवेंचुअली द वर्जन ऑफ टेक जो आप फंड रेस के टाइम पर यूज़ कर रहे हो गए विल हैव जमीन आसमान का अंतर ठीक है सो दैट दैट्स ए इवॉल्विंग फेज नाउ वॉट विल हैपन वेन यू टॉकिंग टू दीज वी सी के लोग ठीक है आप एनलिस्ट हो या जो भी है जिनसे भी आप बात कर रहे हो ठीक है uh, यू विल रियलाइज द कांड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू इम्प्रूव ठीक है दैट इज़ वन पार्ट दैट डिपेंड्स ऑन स्टार्टअप टू स्टार्टअप की अच्छा जिसके पास ट्रैक्शन नहीं है उनको वी सी बोलेंगे कि ठीक है इट्स तो टू अर्ली ब्रिंग सम्रैक्शन या मेक दिस प्रोडक्ट या ये चीज़ करो या ये ले करो वो आप अपने अकॉर्डिंगली करते रहोगे बट एट द सेम टाइम यू एंड अपन ठीक है तो आपके इसमें रिलेशनशिप्स और वो नेटवर्किंग बनते जाती है ठीक है एंड वेन एवर वीर वी वर टॉकिंग टू असी वी वर ऑलवेज टॉकिंग टू दैम इन द परस्पेक्टिव की ठीक है आप बताओ आपको क्या लगता है इसमें सही करना चाहिए ठीक है एंड बी वेरी कैजल एंड अपफ्रंट विद दैम ठीक कि इसमें हम ये कर रहे हैं इसमें ये दिक्कत है आपके हिसाब से इसमें क्या करना चाहिए हमें अभी नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए ठीक है पीपल विल जेनवनली गिव यू एडवाइस वॉट एवर वी सी दे आर ठीक है दैट हेल्पडस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑल दोज कॉल्स दैट वी हैड मेक रिलेशनशिप्स एंड एक वी दूसरे वी सी पे कनेक्ट कराता है एंड दोज थिंग्स स्टार्टेड हैपन एक बार वो हो गया था उसके बाद वी रियलाइज टू ठीक है वी हैड टू गेट सम ट्रैक्शन वी वर एबल टू सो वी गॉट अ फिफ्टी लैक फ्री ग्रांट फ्रॉम आई टी डेली एंडोमेंट राइट एट दोस टाइम एंड वी यूज दैट फंडार्ट ऑपरेशन एंड्रैक्शन हायर सम पीपल दैन वी पिवीटेड इन जून ट्वेंटी 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 थ्री राइट And uh, that's when we were able to generate uh, a uh, do a small POC and get decent amount of traction on the first place. And that was again when we again started doing the fundraise, right? Up at this point, after one year doing all that cycle of talking to people in the network, you have eventually ended up making relations, right? So you go and you say, "Okay, we were इट्स बिन टू हंड्रेड एंड फोर्टीन डेज सिंस वी लास्ट कनेक्टेड ठीक है दैट्स हाउ वीड ऑफ रीच आउट टू दैम अगैन तो वो वाली चीज़ करने पर यू ऑलरेडी हैव दैट सर्टिन डिस्कशन जो उनके साथ हो रखा है देव ऑलरेडी सीन यू बिल्डिंग सिंस दिस लॉन्ग मॉड ऑफ टाइम ठीक है एंड नाउ यू हैव अट्रैक्शन देव सीन की अच्छा आपने ग्रोथ करा हुई है uh, और आप इंडस्ट्री में इतने लोग को जान जाते हो कि वो नेटवर्क बनने लगता है ठीक है uh, देन द इंटायर एडियज की ठीक है आप बात कर रहे हो बात कर चल रहे हो चल है चल है ठीक है अब वो समझ रहे हैं अच्छा अपनी अट्रैक्शन ले चलो ठीक है गुड है गुड है आ, एंड में सारी बात आ जाती है उस चीज पे कि यू नीड वन गाइड टू से यस ठीक है वो एक बंदा आपको मिलता है जो यस yes बोलता है उसके बाद ठीक है दैट्स वेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट फोमो आई वुड सी और दैट सेंस ऑफ अरजेंसी इन द इंडस्ट्री दैट वी हैव गॉट अ येस ठीक है एंड देन पीपल वुड स्टार्ट पाइलिंग अपॉट ठीक है सो so, कायदे से फंड रेज टू तो बी इन सेट इन अ वेरी सिम्प्लीफाइड वर्जन इट्स प्योरली अ गेम ऑफ नेटवर्क एंड फोमो ठीक है देर इज नो रूल बुक देर देर आर पीपल हु हैव रेज नॉर्थ ऑफ टेन मिलियन डॉर्स एट अ प्री प्रोडक्ट स्टेज ठीक है गिवन दैट उनका इंडस्ट्रिया बैकग्राउंड था दैट्स प्योरली ऑन द नेटवर्क एंड फोमो ठीक है एंड देन देर आर पीपल हु हैव डन सो मच एक्शन एंड देन स्टिल दे आर नॉट एबल टू रेज फंड्स ठीक है तो इट्स अ इवॉल्विंग साइकिल बट आपको स्टार्ट ईवन सी करना होगा यूर मीटिंग फाउंडर्स फ्राम दैट सिमिलर स्पेस योर मीटिंग वी सीज फ्राम दैट सिमिलर स्पेस गोइंग टू इवेंट्स योर डेवलपिंग रिलेशन एंड एट द सेम टाइम पैरल यूर ग्रोइंग योर स्टार्टअप अब वो धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हो चीजें हिट हो रही हैं एंड देन योर अगेन टॉकिंग टू दिस पीपल समबडी अलॉन्ग द लाइन से इज येस दैट फोर्म क्रिएट्स यूटिलाइज दैट फोम एली वेल एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट ऑक ऑस्ल थ ऑलराइट संस्कार थैंक यू